यस ऑल माय सीए फाइनल स्टूडेंट्स, कैसा गया आपका एग्जाम सी एसएफएम का? राइट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का तो पेपर थोड़ा सा आपका टफ आया था, आई नो दैट। और ये पेपर कैसा गया है, इस पेपर ने क्या रिकवरी करी है क्या आपके एफआर के पेपर की, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं इसका अभी रिव्यू नहीं दे सकता आपको, लेकिन यस लेटर ऑन मैं आपको रिव्यू जरूर दूंगा। लेकिन अभी आपके एग्जाम्स ओवर हो जाए, अभी आप नेक्स्ट पेपर में ही फोकस करना, आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आपका एग्जाम्स थोड़ा सा भी डिफिकल्ट गया है या फिर कुछ एवरेज पेपर गया है आपका, आपको नेक्स्ट पेपर पे फोकस करना है। लेकिन मैं बस आपसे ये कहने आया हूँ कि आपका पेपर कैसा गया, कितने नंबर का आपने अटेम्प्ट किया एसएफएम का, पेपर किस लेवल का था, एवरेज था, ईजी था, टफ था, जो भी था प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपको नेक्स्ट पेपर जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है उसके अंदर आप फोकस करें, तो प्लीज़ मेरे को आप ये बताएं कि आपने कितने नंबर का अटेम्प्ट किया और किस तरह की कवरेज आईसीआई ने कर रखी थी, क्या आउटसाइड आया था, क्या कोई क्वेश्चंस आपके सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन था, कुछ इंटरनेशनल चीज़ें उसके अंदर आईसीआई ने कवरेज करी थी क्या, तो प्लीज़ एटलीस्ट मेरे को ज़रूर बताएं। और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके लाइक करना शेयर करना मत भूलिएगा, और मैं आपके साथ ज़रूर अपडेट करूँगा। और पहले आपके कोर्स जो अपना पेपर है आपके वो चारों पेपर कवरेज हो जाए, उसके बाद फिर मैं आपके साथ अपडेट शेयर करूँगा, ठीक है? वो मैं आपके साथ पेपर भी एनालिसिस करके दूंगा, क्योंकि मैंने आपको एनालिसिस करके भी दी थी, अगर उसमें से कुछ चीज़ आई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। राइट, होपिंग सो यू फाउंड दिस वीडियो इज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव, एंड लेट मी टेल इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स।